टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए टेक्निकल अटैचमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल अटैचमेंट चैनल और आज हम करेंगे 32 इंचेस एलजी स्मार्ट टीवी आई थिंक यू का अनबॉक्सिंग। भी यहाँ पे हम देख पाएंगे उसका मॉडल 32LM57 इसका मॉडल। तो गाइस ये कि स्मार्ट टीवी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। थिंक यू AI मैजिक रिमोट, एक्टिव HDR 10, DTS विजुअल एक्स, 2 way ब्लूटूथ आइडियो शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग आपके मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, तभी आपको इसके बॉक्स कंटेंट स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइस है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ गाइड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मॉडल है आपको दो साइजेस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। तो गाइस मेरे पास अभी 32 इंचेस का साइज़ है, इसको आप 43 इंचेस में भी बाय कर सकते हैं और इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन आ जाता है HD का। और चलिए फिर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है उसका AC केबल इन, इसको प्लग इन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसका ये टेबल स्टैंड और इसको टेबल में स्टैंड करने के लिए ये है। और चलिए फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके और जो बॉक्स कंटेंट्स है वो। तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका ये बॉक्स कंटेंट्स। तो गाइस सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मिल जाएगा इसका ये मैजिक रिमोट कंट्रोल और ये होता है ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट इस टीवी पे। तो गाइस ये कुछ इस तरह से आप इसका ये रिमोट कंट्रोल देख पाएंगे, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे, फिलहाल हम इसके और बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट में यहाँ पे देख पाएंगे इसका ये टेबल स्टैंड के लिए दो स्क्रू यहाँ पे मिलता है इस रिमोट कंट्रोल के लिए। डबल ए बैटरी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है उसका ये टाई। सो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसके यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। तो गाइस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये थे इसके बॉक्स कंटेंट। नेक्स्ट में हम देख पाएंगे इसका LED टीवी ये, और यहाँ पे भी आपको मेंशन किया रहेगा इसका मेन हाइलाइट्स। यहाँ पे हम देख पाते हैं स्मार्ट टीवी ये आई थिंक यू, और यहाँ पे भी आपको मेंशन किया रहेगा मैजिक रिमोट HDR और यहाँ पे मिलता है विजुअल एक्स आइडियो के लिए 2 way आइडियो और अवेलेबल इन 43 इंचेस में। आपको ये दो साइज़ में आपको मिल जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया ये इस टीवी को मिलता है 2 star। और यहाँ पे हम देख पाएंगे LG का लोगो। जस्ट नीचे जाते तो यहाँ पे मिल जाएगा सेंसर और उसका जो मेनू पावर बटन जो होता है यहीं से एक ही बटन से हम कंट्रोल कर पाएंगे। और साइड में हम चलते हैं तो यहाँ पे मिलता है उसका टेबल स्टैंड के लिए जगह, तो ये उसका लेफ्ट साइड है। यहाँ पे हमें मिल जाएगा उसका राइट साइड और यहाँ पे मिलता है दो स्पीकर 10 watt के, और इस टीवी के लिए ये काफ़ी है, इतना आवाज़ काफ़ी इस टीवी के लिए। और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसका ये यहाँ पे आपको मॉडल सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। और नीचे में हम देख पाएंगे AC केबल के लिए एक पोर्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है, और ये जो 4 screw आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपको वॉल माउंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस 4 screw के ज़रिए आप इस टीवी को वॉल कर पाएंगे अपनी दीवार में। तो गाइस ये है, और यहाँ पे हमें मिलता है AV केबल इन जो आप नॉर्मल सेटअप बॉक्स को यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। कंपोनेंट इनपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलता है ऑडियो आउटपुट के लिए, और इथरनेट इनपुट के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। वायरलेस तो है ही, यहाँ पे आपको इथरनेट मिल जाएगा। ये ऑप्टिकल आउटपुट यहाँ पे मिलता है, ये उसका एंटीना केबल इन है। जस्ट साइड में हम देख पाएंगे इसका ये USB इन, और नीचे में हमें मिलता है HD सेटअप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए 2 HDMI इनपुट। तो गाइस चलते हैं इसके फ्रंट साइड और देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो गाइस हमने इसको प्लग इन कर लिया और इसका जो रिमोट कंट्रोल है कुछ इस तरह से आपको दिखा दे। तो ये एक मैजिक रिमोट है, तो इसको आप दो तरह से यूज़ कर पाएंगे, टीवी के लिए और सेटअप बॉक्स दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं पावर के लिए, और बीच में हम यहाँ पे देख पाएंगे माइक, और उसके लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है माइक यूज़ करने के लिए। यहाँ पे होम और सेटिंग्स, बैक इनपुट और जो ओके का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम का भी आपको यहाँ पे बटन को सामने आपको दिया हुआ रहेगा। तो गाइज इसके जो बैक साइड में हम इसके जो रिमोट कंट्रोल के जो बैटरी है उसको लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। तो चलिए हम इस पावर बटन के ज़रिए इस टीवी को ऑन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे LG का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये हो रहा है हमारा लोडिंग। तो गाइज ये हो चुका है ऑन, और
इसका जो रिमोट कंट्रोल है कुछ इस तरह से काम करता है। तो गाइज हमें यहाँ पे मिलता है स्क्रॉल का बटन, तो इसको अप डाउन करने के लिए कुछ इस तरह से अप डाउन आप कर पाएंगे। और ये जो होता है ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट, ये जो रिमोट कंट्रोल है वो, तो आप पीछे रिमोट को पीछे भी करके आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये आपको काम करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपको यहाँ पर मिलता है एयर माउस, तो आप कोने कोने में आसानी से कुछ इस तरह से पहुंच पाएंगे। और चलिए फिर देखते हैं इसका स्टार्टअप सेटअप। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नेट की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो गाइस सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अपने जो जो वाईफाई उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर ले। तो गाइस हम यहाँ पे सिंपली हम पासवर्ड डाल के उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा कनेक्ट, तो सिंपली हम इस कनेक्ट बटन को प्रेस करके हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा हो गया है वाईफाई से कनेक्ट। तो गाइस इसमें हम डेटा ट्रांसफ़र कर लिए, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से आप इसको रिमोट कंट्रोल को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम टीवी एंड सेटअप बॉक्स दोनों में हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो गाइस ये जो तीसरे ऑप्शन है हमारा, वहाँ पे हम सिंपली इसको प्रेस करेंगे टीवी एंड सेटअप बॉक्स में, तो इसको हम सिंपली ओके करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो चलिए इसके जो होम स्क्रीन वहाँ पे जाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे उसके जो होम स्क्रीन का बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ हम देख पाएंगे कुछ इसका इंटरफेस होम का, और यहाँ पे आपको पहले से लोडेड ऐप्स इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई सा वेबसाइट वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट में आप सब देख पाएंगे इसका होम डैशबोर्ड, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट में देखते हैं इसका ये टीवी रिसेंट ऐप्स जो यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे हम देख पाएंगे, नेटफ्लिक्स, हीरोज नाउ, हंगामा और प्राइम वीडियो। तो ये सारे ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। ये उसका ब्राउज़र है, यहाँ पे आप कोई सा भी वेबसाइट है उसको यहाँ पे ब्राउज़ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गूगल का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ हम कुछ भी सर्च करते हैं तो सिंपली हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका जो की फंक्शन है वो, तो यहाँ जो भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो कुछ इस तरह से उसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए गाइस यहाँ से हम बैक चलते हैं और देखते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स। तो गाइस सिंपली इसको कट करते हैं, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा इसका जो होम स्क्रीन वहाँ पे। तो सिंपली हमें यहाँ पे प्रेस करेंगे होम की, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं इसके फोटोज़ एंड वीडियोस। तो गाइज़ आप जो भी आप अपने पीछे पेन ड्राइव के ज़रिए पीछे जो भी डाल रहेंगे उसको यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ से आप उसका जो फाइल है कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। और पहले से हमने इसमें 4 GB का पेन ड्राइव डाल के रखा है, और इसका खुद का आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाता है जो कि 605 MB की इसका इंटरनल मेमोरी है। और इस टीवी के लिए इतना तो काफ़ी है गाइस, आप इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फाइल तो रखना है नहीं, तो आप कुछ इस तरह से उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं इसका एक म्यूज़िक ऐप। तो यहाँ पे आपको जो भी सॉन्ग्स होते हैं अपने पेन ड्राइव या फिर इंटरनल मेमोरी में, तो गाइज उसको यहाँ से हम प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ से भी चलते हैं बैक और नेक्स्ट में देख लेते हैं इसका जो ऐप स्टोर है वो। तो ये यहाँ पे LG कंटेंट स्टोर यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा। तो गाइज सिंपली इसको प्रेस करते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे यूज़र एग्रीमेंट को आपको सभी को टिक करके उसको एग्री कर लेना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इस LG कंटेंट स्टोर के ज़रिए आप इसमें ऐप्स इंस्टॉल कर पाएंगे। ये हो गया है हमारा LG कंटेंट स्टोर है ओपन, और यहाँ पे आपको सर्च करके इसमें जो भी ऐप आपको इंस्टॉल करना है, इसमें जो भी ऐप्स जो है सपोर्टेड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट में इसका जो होम डैशबोर्ड है वहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं इसके और स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ हम देख पाते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस, और यहाँ से आप इनपुट ले पाएंगे और कुछ जो इसके जो एक्सेसरीज है उसके यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे चलते हैं कनेक्शन गाइड। तो गाइज ये एक गाइड है और इसके थ्रू आप इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके लिए आप यहाँ पे जान पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्शन मिल जाता है, तो गाइस आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे भी इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे इस जो टीवी है उसको। तो आपको LG टीवी प्लस ऐप जो होता है उसको आप इंस्टॉल करके यहाँ से कनेक्शन कर पाएंगे। तो शेयर स्मार्टफोन स्क्रीन होता है, तो गाइस अपने फ़ोन का जो स्क्रीन है यहाँ पर आप शेयर कर पाएंगे।
और नेक्स्ट में देखते हैं प्लेइंग साउंड। तो गाइज आप अपने जो फ़ोन का जो ब्लूटूथ के ज़रिए इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन का वॉल्यूम भी आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर इसका ट्रांसफ़र अपने जो होम थिएटर उसमें कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ के ज़रिए। तो गाइज़ यहाँ पे आपको मिलता है फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो गाइज़ यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट है ऑडियो वीडियो जो भी फॉर्मेट जो यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है वहाँ पे आपको शो मिलेगा। तो गाइज़ शेयर कंप्यूटर कंटेंट्स। तो गाइज़ आप अपने जो पीसी जो होते हैं उसका जो जो भी फाइल है उसको यहाँ पे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ऐप होता है। तो गाइस शेयर कंप्यूटर स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलिंग मिलता तो है और उसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन भी आप शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं बैक और चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट फीचर्स। तो गाइस यहाँ हम होम स्क्रीन में जाएंगे, उसके बाद डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ये डैशबोर्ड का इंटरफेस और यहाँ पे हम देख पाएंगे ब्लूटूथ ऑडियो। तो गाइस यहाँ से आप अपने जो फ़ोन का जो ऑडियो है यहाँ से कनेक्ट करके अपने फ़ोन में जो भी म्यूज़िक जो प्ले है रहेगा उसको यहाँ पे आप सुन पाएंगे। आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा ब्लूटूथ के ज़रिए, जैसे आप अपने जो होम थिएटर या फिर हेडफोन से ब्लूटूथ हेडफोन उसको कनेक्ट करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट करके इसमें आप साउंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ से भी चलते हैं बैक और नेक्स्ट में देखते हैं इसका ये जो होम डैशबोर्ड है वहाँ का फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे इसका ये इनपुट्स। तो यहाँ पे HDMI 1 और USB फ्लैश डिस्क TV इंटरनल स्पीकर। तो यहाँ से आप जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे हम देख पाते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस और ऊपर में आप यहाँ पे देख पाएंगे उसका ये एडिट का बटन भी है। आप यहाँ से इन जो इनपुट्स जो होते हैं उनके नाम यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। तो इसको करते हैं कैंसिल और देखते हैं इसका जो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है वो। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे डिवाइस कनेक्टर। तो गाइज़ सिंपली हम इसको प्रेस करके इसका जो डिवाइस कनेक्टर होता है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ हमने HDMI 2 पे टाटा स्काई का एक सेट टॉप बॉक्स दे रखा है। तो गाइज़ हम अपने जो सेट टॉप बॉक्स है वो उससे रिमोट से पेयरिंग करेंगे। तो सिंपली हमें अपने जो सेट टॉप बॉक्स है उसको क्लिक करके अपने जो HDMI 2 पे टाटा स्काई का जो कनेक्शन है वो दे रखा है। तो सिंपली हम इसको 2 पे ओके करके हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है। तो ये है होता है उसका पेयरिंग का एक सिस्टम। तो हमने इसको नेक्स्ट किया तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो जो भी नाम है टाटा स्काई या फिर एयरटेल जो भी है वहाँ पे लिस्ट आएगा। तो सिंपली उसको प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डिश टीवी टाटा स्काई एयरटेल और यहाँ और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप उसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे हम टाटा स्काई को क्लिक करेंगे क्योंकि हमने टाटा स्काई पे कनेक्ट किया है। तो ये जो रिमोट है वो टाटा स्काई के जैसे ही ये काम करेगा उसके जो रिमोट है उसकी तरह। तो गाइस सिंपली इसको हम प्रेस किए तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको पेयर का एक ऑप्शंस मिला है तो सिंपली उसको हम पेयर को ओके करेंगे और ये जो यस नो का ऑप्शन है उसको यस करेंगे। तो गाइज़ ये हो गया हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो पेयर अपने जो टाटा स्काई है उससे। तो गाइज़ आप अपने जो टीवी के जो रिमोट है उससे भी आप ये जो टाटा स्काई को आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ गाइज़ ये देख पाएंगे। तो आपको यहाँ से एक ही रिमोट से पूरा कंट्रोल हो जाएगा, आपको दो रिमोट की कोई ज़रूरत नहीं। आप टीवी की रिमोट से ही आप अपने सेट टॉप बॉक्स और टीवी है वो दोनों को आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे इसके जो रिमोट की फंक्शन है वो और यहाँ हम देखते हैं इसके जो सेटिंग्स है वो। तो ये इसका जो सेटिंग्स का वो जो इंटरफेस है वो और यहाँ पे हम ढूंढते हैं इसका ऑल सेटिंग्स। तो गाइज़ ये है उसका ऑल सेटिंग्स, सिंपली इसको हम प्रेस करके जो इसके ऑल सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे पिक्चर्स मोड मिल जाते हैं। तो गाइज़ आप अपने जो जैसे तरीके से आप इसका जो पिक्चर क्वालिटी उसको सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर लीजिए। और यहाँ पे मिलता है उसका साउंड। तो गाइज़ चलते हैं इसके जो साउंड आउटपुट है, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाता है और 3.5 mm जैक का आउटपुट मिल जाता है ऑक्स आउटपुट और यहाँ पे मिलता है ब्लूटूथ आउटपुट। तो यहाँ से आप अपने जो ब्लूटूथ होम थिएटर है या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स है उसको यहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे और पर्सनली एंड लाउडली की तरह आप इसको सुन पाएंगे कुछ इस तरह से बिना वायर कनेक्ट किए। तो गाइज़ ये जो फंक्शंस दिया होता है वो काफ़ी बढ़िया है और इसके ज़रिए आप बिना वायर कनेक्ट किए अपने जो होम थिएटर है उसको यहाँ से आप चला पाएंगे। तो गाइज़ ये थे इसके जो आउटपुट है वो। तो नीचे में हम देख पाएंगे प्रोग्राम एंड कनेक्शंस। तो गाइज़ कनेक्शंस में यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा टीवी नेम्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसको वायर द्वारा भी आप इसको इंटरनेट दे सकते हैं या फिर वायरलेस के भी ज़रिए। और
ये गाइस कुछ इस तरह से वायरलेस आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने जो फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है इसको ऑन करके, इसमें वाईफाई के ज़रिए भी आप इसमें इंटरनेट है वो यहाँ पे आप चला पाएंगे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं बैक, और यहाँ पे आपको 3G 4G का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस इसके जो पीछे जो USB का ऑप्शन है वहाँ पर आप डोंगल डाल के भी आप इसको कुछ इस तरह से इसमें जो सिम कार्ड है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, इसमें इंटरनेट चला पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है डिवाइस कनेक्ट, और यहाँ से भी आप अपने जो रिमोट कंट्रोल है टीवी के उसको अपने सेटअप बॉक्स से होम थिएटर है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं अपने जो फ़ोन का स्क्रीन है वहाँ पर आपको लेके चलूँगा और किस तरह से अपने जो फ़ोन का स्क्रीन है उस टीवी में कैसे कनेक्ट करते हैं तो आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आपको सर्च कर लीजिएगा, सबसे पहले तो हमें अपने जो वाईफाई उसको ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा वायरलेस डिस्प्ले या फिर यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग या फिर मीरा कास्ट के नाम से आपका होगा। तो गाइस अपने फ़ोन से सर्च कर लीजिए, और अंदर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको नाम तो यहाँ पे आपको शो होने लगा LG WebOS, और उसका जो मॉडल है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली उसको क्लिक करके यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, तो गाइस ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और अपने जो टीवी है वहाँ पर भी एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर लीजिए आप, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो गाइज़ मैं क्या करूँ इसको कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट करके आपको लोगों को बताए। तो गाइज़ ये थे इसका जो स्क्रीन शेयरिंग कनेक्शन है वो, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ हम देख पाते हैं लिंक टू डिवाइस फॉर वॉइस कंट्रोलर, तो गाइज़ यहाँ पे आपको मिलता है अमेज़ॉन एलेक्सा का एक वॉइस कंट्रोलर। तो गाइज़ ये कुछ इसके जो यूज़ एग्रीमेंट है उसको ऑल टिक करके आप एग्री कर लीजिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे अपने जो वॉइस कंट्रोल है उसमें। तो गाइज हम नेक्स्ट में देख लेते हैं इसका जनरल, जनरल में हम यहाँ पे जाना चाहेंगे इसके अबाउट दिस टीवी, और इस टीवी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें ये जो सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे हम इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है आप यहाँ पे देख पाएंगे, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके इसका जो और डिटेल्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो सिंपली हम इसका जो टीवी इंफॉर्मेशन है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको टीवी का मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा, सीरियल नंबर और जो डिवाइस नेम है। यहाँ पे हम देख पाएंगे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि WebOS है, और यहाँ हम देखते हैं इसका इंटरनल स्टोरेज। तो गाइज यहाँ पे आपको 0.59 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज को भी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं बैक और देखते हैं इसके अदर फीचर्स। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी मिल जाता है, सेफ्टी में आप कुछ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपका जो माउस का जो यहाँ पे आपको जो आइकन दिख रहा है उसको छोटा बड़ा करने का, और उसका जो स्पीड है यहाँ से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से ये इसका जो स्पीड है उसको स्लो नॉर्मल फास्ट आप कुछ इस तरह से आप उसको कर लीजिए। तो गाइज़ हम यहाँ से चलते हैं बैक, और यहाँ हम देखते हैं उसके कुछ और जो फीचर्स होते हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे इसका हाई कंट्रास्ट, तो उसको आप क्लिक करके इसमें जो हाई कंट्रास्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइस ये है, और यहाँ हम जाना चाहेंगे इसका जो फोटोस एंड वीडियोस है, और इससे हम चेक करेंगे इसके जो टीवी का जो क्वालिटी है उसको, डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है उसको हम चेक करने के लिए सिंपली हम आप यहाँ पे कोई सा भी आप वीडियो को प्ले करना चाहेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ जो वीडियो है जिसको हम प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके जो पिक्चर क्वालिटी है वो। तो यहाँ हम इस स्क्रॉल बटन के ज़रिए कुछ इस तरह से इसको अप एंड डाउन करके उसका जो वीडियो है, जो भी वीडियो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे एक वीडियो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और इसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो। तो गाइज हम यहाँ पे देख पाते हैं कुछ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया सा एक पिक्चर क्लैरिटी, और यहाँ पे साफ साफ आपको यहाँ पे पिक्चर क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ब्राइटनेस शार्पनेस और जो बैक लाइट है वो और कलर, तो काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे आपको पिक्चर क्लैरिटी मिल जाएगा, नेचुरल कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसका जो डिस्प्ले है HD, और इसका जो रेजोल्यूशन आता है 1366x768 इसका जो रेजोल्यूशन आता है, और इस टीवी के लिए तो काफ़ी बढ़िया है ये जो क्वालिटी है वो। और ये जो फुल HD में होता तो वो भी काफ़ी बढ़िया था, और मेरे ख्याल से तो इतना है तो काफ़ी इस टीवी के लिए। तो आप कुछ इस तरह से इसका जो पिक्चर क्लैरिटी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और चलिए जो इसके जो पिक्सल्स है उसको आपको नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। तो गाइज ये इसके जो पिक्सल्स है काफ़ी छोटे छोटे हैं, और आप नज़दीक से भी देख रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक 32 इंचेस का साइज़ है, तो ये HD साइज ही इसके लिए काफ़ी बढ़िया सा है, ये IPS पैनल है। तो गाइज़ आप इसको साइड से भी
आप देख रहे हैं तो जो पिक्चर क्वालिटी है, जो सामने से देख रहे हैं या फिर साइड से देख रहे हैं, तो गाइस जो पिक्चर क्वालिटी है वो आएगा आपको सेम। और यहाँ पे हम कुछ उसके और जो वीडियोस है उसको हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो, और यहाँ पे इसका जो साउंड क्वालिटी उसकी बात करें तो गाइस काफ़ी बढ़िया सा आपको क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे साउंड सुनने को मिल जाएगा इस टीवी के स्पीकर में। यहाँ पे आपको DTS वर्चुअल एक्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके स्पीकर्स में, तो काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल जाता है। तो गाइज़ इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर आपको प्ले करके नहीं बता रहा हूँ इसके लिए सॉरी। तो गाइस नेक्स्ट में आता है हमारा वॉइस कंट्रोल। तो गाइस ये है उसका वॉइस कंट्रोल का बटन, तो सिंपली हम उसको प्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे उसको जो यूज़र एग्रीमेंट है उसको हमको एग्री करना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ हम देख पाएंगे उसका ये इंटरफेस कुछ इस तरह से, तो उसको हमको एग्री कर लेना है ऑल टिक करके, तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और आपको जितनी टाइम तक बोलना है उतनी टाइम तक ये जो माइक का बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको प्रेस करके रखें और बोलेंगे ये ओपन यूट्यूब ऐप। तो गाइज ये कुछ इस तरह से ये कमांड किया अपने जो जो भी वॉइस है उसको, तो यहाँ पे आपको गोइंग टू यूट्यूब ऐप को ओपन हो रहा है गाइज कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ओपन TV ब्राउज़र। तो गाइज ये हो गया हमारा TV ब्राउज़र ऐप ओपन। और इसी तरह से अभी आप कुछ भी आप वहाँ से जितने टाइम तक आपको बोलना है उतने टाइम तक उसको प्रेस करके रखना होगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा वॉल्यूम डाउन। तो गाइस इसका जो वॉल्यूम है वो डाउन होने लगेगा, उसी प्रकार से आप इसका जो वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम अप। तो गाइस इस तरह से आप इसको इसका वॉल्यूम है उसको आप वॉइस कमांड देके इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इसमें इनपुट लेना चाहूँगा तो बोलूँगा HDMI 2। तो गाइस ये जो हमारा HDMI 2 इनपुट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ हम फिर से बोलना चाहेंगे वेदर। तो गाइस आज का जो भी सेल्सियस होगा यहाँ पे शो होने लगेगा कुछ इस तरह से। गाइस यहाँ हम देख पाते हैं 27 सेल्सियस। तो गाइस कुछ इस तरह से इसका जो वॉइस कमांड है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ हम बात करें इसके जो प्राइस है, तो गाइस इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 20,990 रुपये। तो गाइस ये इसका एग्जैक्ट रेट नहीं है, और ये अगर आप शॉप पे ख़रीदते हैं तो करीब 17,000 के करीब में आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस इस प्राइस में मुझे काफ़ी बेस्ट लगा गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा पिक्चर क्लैरिटी और जो स्मार्ट जो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस इस प्राइस में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, वैल्यू ऑफ मनी है गाइस इस प्राइस में 17,000 के करीब में। और इसका जो डिटेल्स है जो मेन प्राइस है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको आज के वीडियो पसंद होगा। इसी बहाने यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आज का ये वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आपको वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे।